एवरी वन, वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल। मैं किरण सिंह, इंडियन ब्लॉगर, के सिंह मिडिल क्लास लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत करती हूँ। बड़े को प्रणाम, छोटे को आशीर्वाद। गाइस, कैसे हैं आप सब? मैं मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ। आई होप आप सब भी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं आज आप लोगों के साथ बिहार की मिठाई, जो हर घर में बनती है, बहुत ही सिंपल, क्रिस्पी, टेस्टी, उसकी रेसिपी शेयर करती हूँ, जिसे खजूर कहते हैं। उसके लिए मैं 1 किलो मैदा ली हूँ, 250 ग्राम सूजी ली हूँ, इसमें मैं 1/2 kg चीनी ऐड की हूँ। तो देखिए, मैं इस कटोरी से ली हूँ, क्योंकि मुझे उतने वो नहीं, तो मैं इसे माप के 500 ग्राम चीनी ली हूँ। इसमें 5-7 इलायची क्रश करके ले ली हूँ। आपके पास पाउडर हो तो आप पाउडर यूज कर सकते हैं। मैं इसे ऐसे दरदरा करके ले ली हूँ। इसमें मैं 150 ग्राम मेल्ट किया हुआ घी ली हूँ। आप इसकी जगह पर कोई भी मीठा खाने वाला तेल यूज कर सकते हैं, रिफाइंड में भी मैं बनाती हूँ, ले ली हूँ। और इसे अच्छे हाथ, मतलब बहुत ही अच्छे से इसे मिलाएंगे। कोशिश करें इसे दोनों हाथों से अच्छे से मिला लें। इसको अच्छे से मिलाएंगे, इसे मिलाने में थोड़े टाइम लगते हैं। इसे तब तक मिलाएंगे जब तक इससे मुट्ठी सी बंधने न लग जाए। और इसमें हल्के से पानी, बहुत ही हल्का पानी डाल के इसे अच्छे से मिलाएंगे। कहीं इसके अंदर पानी ज़्यादा नहीं डालें, नहीं तो ये खस्ता नहीं बनेंगे पानी से। देखिए, इसी तरह से इसको मिलाएंगे। इसे मिलाने में थोड़े टाइम लगते हैं। ऐसे दोनों हाथों से प्रेस कर कर के इसे अच्छे से मिलाएंगे। ये देखिए कैसे मिल, देखिए इसे मिलाते मिला, देखिए कई ये भुरभुरे हैं। इसको मिलाते मिलाते, ऐसे मिलाते मिलाते, जब इसकी मुट्ठी सी बनने लग जाए अच्छे से, तब इसे छोड़ेंगे। देखिए बहुत ही कम पानी इसके अंदर जाते हैं, बहुत हल्के पानी के छींटे मार के इसे बहुत टाइटली प्रेस कर कर के मिलाएं। ये देखिए कितने कम पानी डालने के बाद भी ये ऐसे बन रहे हैं। देखिए गाइस, आप इसमें चाहे तो मेवा डाल सकते हैं। मैं नहीं डाली हूँ, ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी क्रश करके डाले। मैं सिंपल, बहुत ही सिंपल सी बना रही हूँ। और ये लकड़ी के, हमारे यहाँ इसको सांचा बोलते हैं, तो इसमें इसे आप बना लेंगे। और नहीं तो आप इसे बड़ी बड़ी इसकी लोइयाँ लेके और चकला बेलन से रोटी की तरह इसको बेल लेंगे, बेल के कट कर लेंगे। जिस भी शेप में आप कट करना चाहते हैं, उस शेप में कट करके इसे आप बना लेंगे। मैं दिखाती हूँ आपको, यही है। इसे बेलने में थोड़े से साइड से फटते हैं, क्योंकि इसके अंदर पानी तो होते नहीं है, ये तो चीनी की वजह से थोड़े अच्छे से बन जाते हैं। देखिए इसकी थिकनेस 1/2 इंच तक होनी चाहिए, ज़्यादा पतली नहीं बेलना है इसे। 1/2 इंच से ज़्यादा ही इसकी थिकनेस होनी चाहिए। थोड़ी मोटी मोटी बेल के इसे कट कर लेंगे। देखिए आप इसे कोई किसी भी शेप में कट कर लें आपके पास है तो। देखिएगा इसे बेलने में थोड़ी सी परेशानी होती है, क्योंकि इसके अंदर पानी नहीं है। ऐसे ही सभी, जितनी आपको ज़रूरत है उतनी इसके पीसेस करके बना लें, या नहीं तो जैसे मैं पहले आपको बताई थी वैसे बना लें। देखिए गाइस, इसमें यही होता है कि पहले आप जितनी भी लोइयां हैं, उन
उन सबको बना लें, फिर इसे तलना शुरू करें, फ्राई करना शुरू करें, क्योंकि आप इसे बनाते हुए फ्राई नहीं कर सकते, इसलिए सारे लोइयों को बनाने के बाद ही इसे फ्राई करना शुरू करें। नहीं तो आप इस टाइप से पेड़े का शेप देके बना सकते हैं। आप इसे हाथ से भी प्रेस कर सकते हैं, ऐसे लोइयों को लेके दोनों हाथों के बीच डाल के प्रेस कर लें, और ये देखिए ऐसे करके बना लें। अभी मैं कढ़ाई में 300 ग्राम रिफाइंड ली हूँ। रिफाइंड अपने हिसाब से आप रख लेंगे, जितने आपके पास क्वांटिटी है उस हिसाब से। और मैं इसे एक एक करके कढ़ाइयों में डाल दूँगी, डाल के तो जिसे फ्राई होने में भी टाइम लगते हैं, क्योंकि थोड़े मोटे थिक होते हैं, तो इससे 5 से 7 मिनट लग जाते हैं पकने में, क्योंकि लो मीडियम फ्लेम पे इसे पकाएंगे, ना तो इसे लो बिल्कुल लो फ्लेम पे और ना ही हाई फ्लेम पे पकाएंगे। हाई पे करेंगे तो कच्चे रह जाएंगे, लो ज़्यादा लो पे करेंगे तो ये टाइट हो जाएंगे। तो इसे लो मीडियम फ्लेम पे ही पकाएंगे, इसे पकने में 5-7 मिनट लग जाते हैं। देखिए कैसे ये पक रहे हैं। तो गाइस कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। माता रानी आप लोगों पे अपनी कृपा बनाए रखें, आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें। अपना और अपनों का ख्याल रखें, यही प्रार्थना करती हूँ। देखिए गाइस ये बन गए हैं, ऐसे गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे, डार्क गोल्डन ब्राउन, तब इसे निकाल लेंगे। देखिए ये जो बर्फ़ी कट करके ली थी वो है, अब मैं दूसरी वाली भी फ्राई करके दिखाती हूँ, ये वाली। तो गाइस आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है? वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर से ज़रूर करें। रेसिपी पसंद आती है तभी भी, नहीं आती है तभी भी, तो गाइस प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सपोर्ट करें। इस कमेंट से मैं मोटिवेट होती हूँ, इसलिए प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करें, लाइक कमेंट ज़रूर किया करें। तो देखिए गाइस ये एक साइड से पक गए, दूसरे साइड से भी इसे वैसे ही पका लेंगे। तो गाइस आप कमेंट जब भी करें तो आप कहाँ से हैं ये भी बताएं, और आपके यहाँ ये रेसिपी बनती है या नहीं, और बनती है तो इसे क्या कहते हैं? हमारे यहाँ तो इसे खजूर कहते हैं। हमारे यहाँ ये गुड़ में भी बनते हैं, चीनी में भी बनते हैं। इसमें ड्राई फ्रूट्स मेवा डाल के भी बनाए जाते हैं। मैं बिल्कुल ही सिंपल बना रही हूँ। तो देखिए गाइस ये भी बन गए हैं। गाइस बैकग्राउंड में जो साउंड आ रहे हैं मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, फंक्शन है बगल में इस वजह से ये साउंड है। देखिए गाइस इसे गोल्डन ब्राउन होने तक ऐसे ही अच्छे से पका ले हैं। जब ये पक जाए अच्छे से तब इसे निकाले, कच्चा ना निकाले। तो आपके यहाँ इसे तो कमेंट ज़रूर करें आपके यहाँ इसे क्या बोलते हैं। मेरे यहाँ तो इसे खजूर बोलते हैं, खस्ता खजूर। तो प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर करें, लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, कमेंट करें। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। तो गाइस ये ऊपर से देखिए हार्ड है, अंदर से बहुत ही क्रिस्पी है।
तो देखिए बन गए, ये देखिए ऊपर से क्रिस्पी हैं अंदर से भी।